परम भाव प्रकाशक नए चक्र व्यवहार में कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा चल रही थी। इन प्रश्नोत्तरों की चर्चा का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि व्यवहार नए और उसके भेद प्रभेदों का स्वरूप हमारे उपयोग में स्पष्ट हो जाए। जब भी जिनागम को पढ़ें तो पढ़ते समय वहाँ कौन से नए का प्रयोग किया गया है और उस नए का प्रयोग क्यों किया गया है, कौन सा नए लागू होगा और उस नए का वजन कितना है, ये स्वरूप यदि ख्याल में आ गया तो नए पढ़ना सार्थक हो गया। चारों प्रकार के व्यवहार नयों की स्वरूप और विषय वस्तु को अत्यंत स्पष्ट कर देने के उपरांत भी विविध प्रकार के प्रयोग जो जनागम में मिलते हैं उनकी यहाँ चर्चा चल रही थी। सद्भूत व्यवहार नए के प्रयोग तो विविधता लिए हुए होते ही हैं, लेकिन क्या असद्भूत व्यवहार नए के प्रयोग में भी विविधता पाई जाती है? कल हमने यहाँ सद्भूत व्यवहार नए के प्रयोगों में विविधता वाली बात देखी थी। आप लोगों में से कोई बता सकता है सद्भूत व्यवहार नए के प्रयोगों में किस प्रकार की विविधता होती है, कैसी विविधता दिखाई दी थी? हाँ बोलो भाई। नहीं चलो और कोई बताने वाला? ठीक है, बढ़िया है। और बोलो भाई, कौन है बताने वाला? शुद्ध सद्भूत व्यवहार नए के प्रयोगों में बहुत तरह की विविधता बतलाई थी। पूर्ण विकसित पर्याय, गुण भेद, द्रव्य सामान्य में भेद किए, त्रिकाली द्रव्य सामान्य की चर्चा की, सब उसी के प्रयोग थे। पर्यायों की निर्मलता की बात कही, पूर्ण विकसित पर्यायों की निर्मलता की बात कही, उसमें भेद डालने वाले की बात कही, ज्ञान दर्शन आदि में भेद, शक्तियों में भेद, ये सब बहुत तरह की विविधताएं उसमें थी। इसी तरह से जब अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए की बात कही तो इन्होंने अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए में भी बात कह दी राग द्वेष आदि के संदर्भ में। ज्ञान गुण की मति ज्ञान आदि पर्यायें, औदयिक भाव आदि विकारी अवस्थाएँ, चारित्र गुण की विकारी अवस्था, वेदन गुण की सुख दुख आदि जनित अवस्थाएँ, ये सब अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए की विषयभूत वस्तु है ना? आप जो बतला रहे थे उसके अंदर कुछ, हाँ कोई बात नहीं, हाँ सजातीय विजातीय आदि की जो चर्चा है वो सब असद्भूत व्यवहार नए के अंतर्गत है, क्योंकि वहाँ भिन्न भिन्न जाति के द्रव्यों की, माने जो द्रव्य अलग अलग हैं, जिन द्रव्यों का स्वरूप ही भिन्न है, उनमें आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध बिठाया गया है। नौ प्रकार का उपचार यहाँ कहा था। कौन कौन से थे नौ प्रकार? देखो ऐसे तो आगे पीछे होंगे, निश्चित कर लो। सबसे पहले द्रव्य के उपचार की बात करेंगे, तो द्रव्य का द्रव्य में, द्रव्य का गुण में, द्रव्य का पर्याय में, फिर गुण की बात करो, गुण का द्रव्य में, गुण का गुण में, गुण का पर्याय में, फिर पर्याय की बात।
लेकिन ध्यान रखना, ये जो नौ प्रकार के उपचार कहे हैं, जैसे मान लो पर्याय का पर्याय में उपचार किया, तो पर्याय का पर्याय में उपचार करने का अर्थ ये इस तरह से नहीं लगाना कि जैसे सम्यक दर्शन का उपचार करके हमने चारित्र को सम्यक कह दिया, ज्ञान को भी सम्यक कह दिया, क्योंकि श्रद्धा सम्यक हो गई ना, श्रद्धा सम्यक नहीं हुई थी तो ज्ञान भी सम्यक नहीं था। अब श्रद्धा के सम्यकपने का उपचार ज्ञान पर करके ज्ञान को भी सम्यक कहा, चारित्र को भी सम्यक कहा, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान में सम्यकता आई है तो चारित्र में भी नियम से सम्यकता आई होगी। ये ऐसे उपचार की बात यहाँ नहीं है। यहाँ जो नौ प्रकार का उपचार बतलाया गया है, ये उपचार तो भिन्न भिन्न द्रव्यों में लागू होगा। एक द्रव्य की एक पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय में जो उपचार लागू होगा वो असद्भूत उपचार है। ऐसे नौ प्रकार के उपचार यहाँ बतलाए थे। देखिए अभी सब उनकी चर्चा करने वाले हैं, सजातीय, विजातीय, मिश्र, इन सब की चर्चाएं आगे मूल गाथाएं प्रस्तुत करते हुए करेंगे। पेज नंबर 156 नंबर पेज देखिए। ऐसी बात यहां कही थी कि व्यवहार उपनय से उपजनित होता है, प्रमाण ने निक्षेपात्मक भेद और उपचार के द्वारा जो वस्तु का प्रतिपादन करता है वह व्यवहार नय है। प्रश्न उठाया यहां, व्यवहार का जनक उपनय कैसे है? उपनय को व्यवहार का जनक कैसे कहा? तो कहते हैं सद्भूत व्यवहार नय भेद का उत्पादक होने से असद्भूत व्यवहार नए उपचार का उत्पादक होने से और उपचरित असद्भूत व्यवहार नए उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपनय जनित है। नए चक्र के इस कथन से ये बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि सद्भूत व्यवहार नए भेद का उत्पादक है और असद्भूत व्यवहार नए उपचार का उत्पादक है। सद्भूत व्यवहार नए भेद लगेंगे और असद्भूत व्यवहार नए में उपचार लगेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। माने असद्भूत व्यवहार नय में भेद नहीं है। जब हम अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार कहते हैं तो वहां भेद के अंतर्गत हमें सद्भूत व्यवहार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि असद्भूत व्यवहार नय में तो भेद बतलाया नहीं है। असद्भूत व्यवहार नय तो अभेद की बात कर रहा है, परद्रव्य को मिलाने की बात कर रहा है, परद्रव्य का कर्ता भोक्तापन की बात कह रहा है। देखो उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपचरित असद्भूत व्यवहार नय असद्भूत व्यवहार नय का ही एक भेद है। जिस असद्भूत व्यवहार नय में मात्र उपचार ही प्रवर्तित होता है, उपचार में भी उपचार नहीं, सिर्फ उपचार, मतलब ऐसा समझ लो सिंगल उपचार है तो अनुपचरित कह दिया और डबल उपचार है तो उपचरित असद्भूत कह दिया। तो असद्भूत माने उपचरित, असद्भूत व्यवहार ने उपचरित कथन करने वाला है, वास्तविक नहीं है, दो द्रव्यों के मिलावट से कथन कर रहा है, इसलिए उपचरित कथन है। और जहां उपचार में भी उपचार होगा वहां उपचरित असद्भूत होगा। तो असद्भूत व्यवहार ने मात्र उपचार में ही उपचार का ही कथन करता है, उपचार में भी उपचार नहीं। उस असद्भूत व्यवहार नय को उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से पृथक बतलाने के लिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के नाम से भी अभिहित किया जाता है। मतलब अनुपचरित इसलिए कह दिया कि उपचार में उपचार से भिन्न है, बस इसलिए अनुपचार का है। ऐसा नहीं है कि शरीर को आत्मा कहना, कि आत्मा को शरीर कहना, देह चेतन को एक कहना, ये जो व्यवहार कहा है ये उपचार ही है, इसको उपचार ही समझना चाहिए। किंतु यह उपचार उपचार में उपचार तो नहीं है, इसलिए अनुपचार कह दिया गया। नए चक्र के उक्त कथन में व्यवहार नय को उपनय से उपजनित कहा गया है, अभी तक तो उपनय की बात आई नहीं, उपनय की बात अभी तक तो आई नहीं थी। ये कौन से नए हैं उपनय? उपनय निश्चय नए हैं या व्यवहार नए हैं? सद्भूत है, असद्भूत है, शुद्ध है, अशुद्ध है, ये उपनय क्या होता है?
इतने देर से चर्चा चल रही है उपनय, ये उपनय नहीं विकल्प खड़ा हुआ आप लोगों में से किसी को, उपनय क्या चीज है, ये कौन से नए, ये प्रश्न उठाया है यहां पर। ये कह रहे हैं एक प्रकार से व्यवहार नए ही उपनय है। उपनय मतलब व्यवहार नए, क्योंकि उपनयों की जो भेद गिनाए गए हैं वे सब एक प्रकार से व्यवहार नय के ही भेद प्रभेद है। जितने भी उपनय के भेद बतलाए हैं व्यवहार नय के भेद प्रभेद हैं। ये कौन से बतलाए हैं, देखो नयों के भेद प्रभेदों की चर्चा करते समय नए चक्र में पहले तो नयों के नए और उपनय ऐसे दो भेद किए, फिर नए के 9 प्रकार एवं उपनय के 3 प्रकार बताए गए हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। ये दो तो मूल नय एवं नयगम संग्रह व्यवहार जीव सूत्र शब्द समविरूढ़ तथा एवं भूत, ये 7 उत्तर नय, इस प्रकार कुल मिलाकर ये 9 नय बताए गए हैं जिनकी चर्चा आगे विस्तार से की जाएगी। ये तो हो गए नय, और कहा उपनय, तो जो उपनय के भेद हैं वो व्यवहार नय के भेद हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं ये, श्रुत भवन दीपक नय चक्र और माइल धवल के द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र, दोनों ही स्थानों पर नयों को 2 रूपों में कह दिया, इनकी चर्चा 2 रूपों में हो गई, एक नय और एक उपनय। नय और उपनय तो नय 9 प्रकार के, अब बोलो 9 प्रकार के नय कहो तो अपने को किसको कितना समझ में आता है, 9 प्रकार के नयों का क्या स्वरूप है, 9 प्रकार के नय कौन कौन से हैं बोलो, तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और नयगमवादी 7 नय, इनको 9 प्रकार के नय कहा है माइल धवल आचार्य ने। बोलो ये उद्धरण यदि आप नहीं पढ़ो तो पूरा नय चक्र पढ़ देने के बावजूद भी आप 9 प्रकार के नयों को घूमते रह जाओगे, पता नहीं है 9 नए कौन से, 9 नए तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, हमने तो 1 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं, 47 पढ़े हैं, संख्या तो संख्या अनंत पढ़े हैं, ये 9 कौन से नए हैं, 9 नए तो हमने पढ़े ही नहीं कहीं भी, ये कैसे गिना दिए इन्होंने यहाँ, ये सब आगम की अपेक्षा से 9 नए हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक तो आगम के नए हैं ही, नयगमादि 7 नए भी आगम के ही नए हैं, क्योंकि नयगमादि 7 नयों को भी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में बांटा गया है, इसलिए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मूल नए भी कह दिया, क्योंकि नयगमादि 7 नए इन्हीं के भेद हैं, लेकिन उनको अलग से नहीं गिना करके यहां 9 प्रकार के नए कहे। चलो नए तो चलो कोई बात नहीं, इनकी चर्चा तो आगे आएगी, फाइनल वाले पहले पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर वाले अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन ये उपनय के कौन से भेद हैं, उपनय के 3 भेद कौन से हैं, तो देखो उपनय के कौन से भेद, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार तथा उपचरित असद्भूत व्यवहार, ये 3 भेद उपनय के बताए गए हैं, 157 पेज पर है बीच में। सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत, अब इसका मतलब सद्भूत व्यवहार तो स्पष्ट ही है अपने दिमाग में, सद्भूत व्यवहार किसका नाम है, अब कहा असद्भूत और उपचरित असद्भूत, तो उपचरित असद्भूत से पृथक करने के लिए असद्भूत मात्र शब्द को अनुपचरित कह दिया गया, ठीक है ना, इसलिए असद्भूत 2 तरह के हुए, एक अनुपचरित और एक उपचरित। माने जब कभी भी किसी ग्रंथ में किसी जगह पर सामान्य रूप से असद्भूत शब्द का प्रयोग किया जावे तो ऐसा समझना कि यह अनुपचरित असद्भूत का प्रयोग है, और जहां असद्भूत में भी और उपचार लगाया जावे वो उपचरित असद्भूत हो जाएगा। देखिए ये 3 भेद उपनय के हो गए तथा सद्भूत व्यवहार नय के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे 2 भेद किए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार नय के जो 4 भेद बताए गए थे उनमें
और इनमें माने उपनय के भेदों में और व्यवहार नय के भेदों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। ये उपनय बिल्कुल नया शब्द है और अनेक बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत से विद्यार्थी भूल ही जाते हैं नए चक्र पढ़ने के बाद भी। आपसे यदि परीक्षा में उपनय पूछ लिया जाए तो आप इधर उधर झांकने लगेंगे, उपनय कौन सा नया है, अरे क्या पूछ लिया ये। उपनय के भेद पूछे जाएं तो बहुत से विद्यार्थियों को शंका होती है, पता नहीं यार ये कौन सा नया आ गया, ये उपनय कौन से नए है। अरे भाई कुछ नहीं है, उपनय माने व्यवहार नए। अभी तो बहुत सरल लग रही है बात, लेकिन थोड़े दिनों में उपयोग से निकल जाती है कि उपनय माने व्यवहार नहीं होता है। देखो सद्भूत व्यवहार नय के तो जिस प्रकार दो भेद वहां बताए गए थे वैसे ही यहां भी बता दिए गए, दोनों जगह पर एक जैसे हो गए, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। हाँ असद्भूत व्यवहार नय के वहां अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय एवं उपचरित असद्भूत व्यवहार नय इस प्रकार दो भेद किए गए थे और यहां उन दोनों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिया गया है, बस मात्र इतना ही अंतर है। बोल नहीं लिया उनको, नहीं लिया निश्चय नयों की चर्चा अलग से की ना उन्होंने, माइल धवल ने भी की है अलग से और देवसेनाचार्य ने भी की है अलग से, लेकिन यहां इन्होंने नए और उपनय में उन बातों को शामिल नहीं किया। हो सकता है इस प्रसंग में इस बात को शामिल नहीं करने के पीछे ये भी बात रही हो कि वो तो स्वरूप है वस्तु का, उसे क्या विवक्षा कह करके पुकारें हम। जितना विवक्षाओं से कथन किए जाते हैं वो सब तो व्यवहार में ही लागू होंगे। ये ऐसा भी उपयोग में बात आ सकती है, ये निश्चय नए के लिए नए शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, अन्यत्र किया भी है, इसलिए ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो निश्चय को नए नहीं मानते, निश्चय के भेद प्रभेदों को स्वीकार नहीं करते, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। देखो 158 पेज पर चार्ट दिया है, इसे निम्नलिखित चार्ट द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। ऐसा भी एक प्रश्न बन सकता है आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से, ये व्यवहार नय और उपनय इन दोनों में समानता असमानता बतलाएं, तो आप समानता और असमानता भी बतलानी पड़ेगी आपको, क्योंकि व्यवहार नय के जो भेद किए हैं शास्त्रों में उसमें सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार ऐसे दो भेद किए, फिर सद्भूत व्यवहार नय के उपचरित और अनुपचरित या शुद्ध और अशुद्ध सद्भूत किए और असद्भूत व्यवहार नय के भी अनुपचरित और उपचरित ऐसे दो भेद किए, जबकि उपनय के डायरेक्ट ही तीन भेद किए, वहां चार नहीं किए। वो चार तो सद्भूत व्यवहार नय के दो भेद करने पर बनेंगे। व्यवहार नय के भेदों में असद्भूत व्यवहार नय के दो भेद किए, जबकि उपनय के भेदों में असद्भूत व्यवहार नय के दो भेद नहीं करके उनको पहले से ही पृथक पृथक स्वीकार कर लिया गया। ख्याल में आ रही है बात, ये चार्ट देखने से समझ में आएगी। देखो यहां तो समानता की दृष्टि से नंबर डाले हैं, व्यवहार नय के पहले दो भेद किए, एक सद्भूत व्यवहार एक असद्भूत व्यवहार, फिर सद्भूत व्यवहार के दो शुद्ध सद्भूत अशुद्ध सद्भूत, असद्भूत व्यवहार के दो अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत, फिर एक दो तीन चार चार नंबर डाल दिए इनके ऊपर, फिर चार्ट दिया दूसरा उपनय, उपनय के कितने भेद, तो मूल में तीन भेद हैं, सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार, फिर सद्भूत के दो भेद करके वहां नंबर डाले, शुद्ध सद्भूत अशुद्ध सद्भूत और वो दो मूल थे ही असद्भूत और उपचरित असद्भूत। तो अब यदि जो नंबर यहां डाले हैं दोनों चार्ट में, इन नंबरों को यदि आपस में मिलाते हैं तो हमें लगता है व्यवहार नय के जो भेद हैं वही उपनय के भेद हैं, इसलिए उपनय शब्द का प्रयोग किया जाए या व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जाए एक ही बात है। हाँ हाँ कर रहे हैं बात, देखो कर रहे हैं।
ऐसा ही समझ लो आप कि वो उपनय में जो भी होगा ना वो सब व्यवहार ही है, उपनय से उपजनित सब व्यवहार ही है, उपनय स्वयं ही व्यवहार है। देखो उक्त चार्टों में व्यवहार नयों के प्रभेदों में जो क्रमांक दिए गए हैं वे परस्पर एक दूसरे के स्थानापन्न है, अतः दोनों प्रकार के वर्गीकरणों में कोई मौलिक भेद नहीं है। दोनों प्रकार के वर्गीकरण को देखकर भ्रमित होने की आवश्यकता भी नहीं है, किंतु उन्हें जान लेने की आवश्यकता अवश्य है, जान लेना जरूरी है, समझ लो आप। और इसलिए समझ लो आप, परीक्षा में पूछूंगा ही मैं, इसलिए आप याद रखना मैंने दो मैंने याद रखोगे तो फिर याद हो जाएगी आगे परमानेंट बात। उपनय के भेद प्रभेद, व्यवहार नय के भेद प्रभेद की जगह परीक्षा में यदि उपनय के भेद प्रभेद पूछे जाए तो आपका जवाब गलत नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कितना सरल प्रश्न पूछा है। असद्भूत व्यवहार नय माने अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नयों के स्वजातीय विजातीय और मिश्र के भेद से तीन तीन भेद किए गए हैं। ये वही चर्चा चल रही है जो चर्चा पीछे उठाई गई थी, जो असद्भूत व्यवहार नय के विविध प्रयोग, ऐसे प्रश्न उठाया था ना कि क्या असद्भूत व्यवहार नय भी जिनागम में विविध प्रयोगों को लिए हुए होते हैं, क्या उनमें विविध प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं असद्भूत व्यवहार नय के में भी। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, सजातीय विजातीय मिश्र आदि के भेद से ये अनेक प्रकार के हो जाएंगे। यहाँ असद्भूत व्यवहार नय द्रव्य में द्रव्य का उपचार आदि नौ प्रकार के उपचारों में प्रवृत्ति करता है। असद्भूत व्यवहार नय का मतलब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय भी जिसको कहा है, ये किसका क्या कर रहा है, ये उपचार में उपचार, नौ प्रकार के द्रव्य में द्रव्य आदि के, ये उपचार आदि द्रव्य का द्रव्य में द्रव्य का उपचार आदि नौ प्रकार के उपचारों में प्रवृत्ति करता है। हाँ देखो, तथा यही असद्भूत व्यवहार नय भिन्न द्रव्यों उनके गुणों और पर्यायों के बीच पाए जाने वाले अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध, परिणाम परिणामी संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, चारित्र चर्या संबंध आदि को अपना विषय बनाता है। आला पद्धति के अंदर इतने प्रकार के संबंधों की बात कही है। असद्भूत व्यवहार नय के भेद प्रभेदों का कथन नय चक्र में इस प्रकार दिया गया है। बोलिए मूल गाथाएं, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र की मूल गाथाएं, तीन गाथाएं प्रस्तुत की है। अन्य से मन गुणा भणई असभूयति विह भेदो भी देखो क्या कह रहे हैं, जो अन्य के गुणों को अन्य का कहता है वह असद्भूत व्यवहार नय है। गुण किसी और के हों, कहे जाए किसी और के, असद्भूत ही है, ये तो हम जानते ही हैं। जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न होंगे, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के, समझ लो आप वो असद्भूत व्यवहार ही वहाँ लागू होगा। उसके तीन भेद हैं असद्भूत के, सजाति, द्रव्य की जाति एक ही होनी चाहिए, विजाति, अलग अलग जाति होनी चाहिए, और मिश्र, सजाति और विजाति दोनों हो वो मिश्र, तथा उनमें भी प्रत्येक के तीन तीन भेद हैं। द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का,
द्रव्य में गुण का, पर्याय का, गुण में द्रव्य और पर्याय का, और पर्याय में द्रव्य और गुण का उपचार करना चाहिए। यह उपचार बंध से संयुक्त अवस्था में तथा ज्ञानी के ज्ञेय आदि के साथ संश्लेष संबंध होने पर किया जाता है। ये सब संबंध कब होंगे? जब बंध से संयुक्त अवस्था होगी तभी लागू होंगे ये सब, और ज्ञान ये संबंध आदि होंगे या संश्लेष संबंध होंगे वहीं ये सारे उपचार लागू होंगे। उक्त नौ प्रकारों को नए चक्र में ही सौदारण स्पष्ट किया गया है। उन्हीं में सजाति विजाति आदि विशेषणों को भी यथासंभव, क्योंकि बहुत खेंचतान है इसमें, इसलिए यथासंभव स्पष्ट कर दिया गया है। बस समझ लीजिए आप, ये जो प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है ये प्रकरण हमारे ज्ञान के लिए है, हमारी इस समझ के लिए है कि इस तरह के प्रयोग भी जनागम में किए गए हैं। फिर जहाँ जैसे प्रयोग कदाचित कहीं मिल जाएं, वैसे तो दुर्लभ हैं ये प्रयोग, ये नए चक्र के अतिरिक्त जो यहाँ द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कहीं देखने में नहीं आते, लेकिन फिर भी जनागम अथाह है। यदि कहीं जनागम में इस तरह के प्रयोग देखने को मिले तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि नए चक्र में इस तरह के प्रयोग किए हैं। बोलो। हाँ, सजाति विजाति मिश्र में, तीनों में तीन तीन प्रकार के भेद होंगे। अभी किसका किस में उपचार करने वाला सजातीय है ना, विजातीय है, मिश्र है, ये सब उदाहरण दे रहे हैं या अलग अलग गाथाएं प्रस्तुत करके। देखो, सबसे पहला उक्त स्पष्टीकरण मूलतः पठनीय है, जो इस प्रकार है। ये पूरा का पूरा उद्धरण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया वहां से उठा करके, प्रकरण लगभग तीन पेज का ये प्रकरण है जो पूरा वहां से उठाया है। पौद्गलिक काय में, काय पौद्गलिक है, उसमें जो एकेंद्रीय आदि के शरीर बनते हैं उन्हें जो जीव कहता है, पौद्गलिक है काय, एकेंद्रीय आदि के शरीर बन गए और उन्हें जीव कहकर के पुकारा गया, एकेंद्रीय जीव, दो इंद्रिय जीव, त्रस्त जीव, ऐसा जीव कहकर के पुकारा ना, वह विजातीय द्रव्य में जीव था और पुद्गल है, दो अलग अलग द्रव्य हैं। विजाती द्रव्य में विजाती द्रव्य का आरोपण करने वाला असद्भूत व्यवहार नए है। समझ में आया? विजाती द्रव्य का विजाती द्रव्य में आरोपण करने वाला, दोनों जगह विजाती शब्द का प्रयोग किया और दोनों जगह द्रव्य शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, इसी तरह से ये पहला प्रयोग हुआ। अब दूसरा प्रयोग बतलाते हैं। मति ज्ञान मूर्तिक है, तो मति ज्ञान तो एक गुण है हमारा, और मूर्तिकपना ये पुद्गल का गुण है, तो द्रव्य तो है विजातीय और उपचार किया है गुण का गुण में, तो विजातीय द्रव्य का विजातीय गुण का विजातीय गुण में उपचार होगा। देखो, पढ़ता हूं यहां। मति ज्ञान मूर्तिक है क्योंकि वह मूर्तिक द्रव्य में पैदा होता है। यदि वह मूर्त न होता तो मूर्त द्वारा स्खलित क्यों होता? मूर्त द्वारा स्खलित होता है ना मति ज्ञान। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति पढ़ो, टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में दी है। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में आंख के आड़े कुछ आ जाए, धूल के कण आ जाए, अंधकार हो तो देख न पाए, ये सब मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बतलाई है। ऐसा लगता है कि जब ज्ञान डायरेक्ट होता है तो आंखों की क्या जरूरत है, आंखें बंद करके भी चलना दौड़ना चाहिए ना, हमारे को नहीं दौड़ पाते, क्यों? कि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होता है। आंखें बंद हो, आंखें खराब हो जाए, चश्मा नहीं हो, आंखों में धूल चली जाए, ऐसी परिस्थितियां बन जाने पर वो मति ज्ञान नहीं जान पाता है। तो मति ज्ञान पुद्गल परमाणुओं के अधीन है, तो मूर्तिक के द्वारा स्खलित होता है मति ज्ञान।
यह विजातीय गुण में विजातीय गुण का आरोप करने वाला असद्भूत व्यवहार नहीं है। समझ में आया विजातीय गुण को विजातीय गुण क्यों कहा यहां? क्योंकि मति ज्ञान जीव का गुण है और मूर्तिकपना ये पुद्गल का गुण है और एक गुण का दूसरे गुण में उपचार किया जा रहा है किंतु विजातीय है। दो हो गए। अब देखो तीसरा, प्रतिबिंब को देखकर वह यही पर्याय है ऐसा कहा जाता है। यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति पर्याय का उपचार करने वाला असद्भूत व्यवहार नहीं। स्वजाति क्यों लिया? क्योंकि वो जो दर्पण जो दिख रहा है वो पर्याय और सामने जो है वो पर्याय दोनों ही पुद्गल है, इस पर्याय को उसकी पर्याय कहा। प्रतिबिंब को देखकर वह यही पर्याय है, तो प्रतिबिंब जो झलक रहा है उसमें वो दर्पण है, दर्पण की पर्याय है, जो झलकन है वो दर्पण की पर्याय में, और जिसका प्रतिबिंब झलक रहा है उसकी पर्याय कहा जा रहा है और है दोनों पुद्गल। तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय में उपचार किया लेकिन सजाती है। क्या वो उसी की दिखाई दे रही है? बस ऐसा ही संश्लेष है, बाकी और कुछ नहीं। माने ऐसा लग रहा है कि उसी की पर्याय है, माने जो दर्पण में झलकने वाली अवस्था दिखाई दे रही है ये भले ही दर्पण में दिख रही हो आपको लेकिन ये झूठी नहीं है। ये जो अवस्था दिखाई दे रही है ये सच्ची है। माने समझ लो कोई भी व्यक्ति, कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो पक्षी उड़ रहा है और दर्पण में देख करके हमने कहा पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी उड़ ही रहा है वास्तव में भले दर्पण में देख करके हमने ऐसा कथन किया हो। दर्पण में देख करके कह दिया ये मोर कितना सुंदर है, तो वो जो मोर पर्याय है वो मोर से ही तन्मय है, ठीक है ना? इसलिए ये ऐसी बात कहना चाह रहे, प्रतिबिंब को देखकर वह यही पर्याय है ऐसा कहा जाता है। यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति पर्याय का उपचार करने वाला असद्भूत व्यवहार है। ये तीन बातें कही इन्होंने, द्रव्य का द्रव्य में, गुण का गुण में और पर्याय का पर्याय में, तीन बातें हो गई। अब चौथी बात कहते हैं, ज्ञेय जीव भी है और अजीव भी है, दोनों तरह के ज्ञेय हैं जगत में। ज्ञान के विषय होने से उन्हें जो ज्ञान कहता है वह स्वजाति विजाति द्रव्य में स्वजाति विजाति गुण का उपचार करने वाला असद्भूत व्यवहार नहीं है। क्या किसका किस में उपचार किया है? ज्ञान किसको जान रहा है? ज्ञेय को। अब ज्ञेय जीव भी है और अजीव भी है, तो दोनों प्रकार की बातें हो गई यहां, स्वजाति विजाति वाली मिश्र हो गया यहां। ज्ञेय जीव भी हैं और अजीव भी हैं और ज्ञान के विषय होने से उनको ज्ञान कहता है। जीव को भी ज्ञान का, जीव का ज्ञान, अजीव का ज्ञान, तो विषय के आधार पर उसका ज्ञान कह दिया गया। वास्तव में तो ज्ञान अजीव का होता नहीं है, वास्तव में तो ज्ञान जीव का होता नहीं है ऐसा जो कथन किया है ये, ऐसा कथन करने वाला स्वजाति विजाति द्रव्य में स्वजाति विजाति है गुण का उपचार करने वाला असद्भूत व्यवहार नए है। मिला के कथन कर रहे हैं ना अपन, पुद्गल का ज्ञान ऐसा, हमने कहा कंप्यूटर का ज्ञान, हमने कहा इंग्लिश का ज्ञान, तो अब इसको किस में शामिल करोगे आप? हमने ज्ञान को ही इंग्लिश का कह दिया, हमने ज्ञान को ही मोबाइल का कह दिया, मोबाइल का ज्ञान। तो मोबाइल का ज्ञान जब हमने प्रयोग किया तब तो ये अजीव के साथ में मिलाया ज्ञान को, और हमने जीव का ज्ञान कहा, है ना? जीव के द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान या पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय अधिक का ज्ञान। तो इस तरह से ज्ञान को ज्ञेय की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञेय दोनों है, इसलिए स्वजाति विजाति कह रहे हैं। अकेला जीव ज्ञेय नहीं है, अकेला अजीव ज्ञेय नहीं है, जीव और अजीव दोनों ही ज्ञेय हैं, और दोनों ज्ञेयों की अपेक्षा से बात करने पर यहां स्वजाति विजाति उपचार करने वाला घटित होगा।
देखो फिर कहते हैं जो एक प्रदेशी परमाणु को बहुप्रदेशी कहता है उसे स्वजाति द्रव्य में स्वजाति विभाव पर्याय द्रव्य का पर्याय में गांधी जी क्या कह रहे हैं देखो स्वजाति द्रव्य में स्वजाति विभाव पर्याय का उपचार करने वाला असद्भूत व्यवहार नहीं कहते हैं। ये कैसा उपचार कह दिया? द्रव्य तो है परमाणु, ठीक है ना, और बहुप्रदेशी होगा इसलिए परमाणु को बहुप्रदेशी कह दिया। बहुप्रदेशी होने योग्य योग्यता देख करके अस्थिकाय कह दिया। अस्थिकाय है पुद्गल, तो भले एक परमाणु हो तो भी वो बहुप्रदेशी होने की योग्यता उसमें है इसलिए अस्थिकाय कहलाता है। तो ये कह रहे हैं स्वजाति तो द्रव्य था, पुद्गल की पुद्गल में चर्चा कर रहे हैं, स्वजाति द्रव्य है लेकिन स्वजाति द्रव्य में पर्याय का उपचार हो रहा है क्योंकि स्कंद आदि जो अवस्था है ये विभाव पर्याय है उसकी, तो द्रव्य का द्रव्य में नहीं है, परमाणु का परमाणु में उपचार नहीं कर रहे हैं, परमाणु में स्कंद का उपचार हो रहा है। परमाणु में स्कंद का उपचार होने का मतलब क्या है? द्रव्य में पर्याय का उपचार है लेकिन जाति एक ही है इसलिए स्वजाति द्रव्य का स्वजाति पर्याय में उपचार हुआ। बड़े विभाव है, हाँ ऐसे भेद कर सकते हैं ना, उसमें भी बहुत भेद कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा ये जो बस जो उदाहरण यहाँ दिए हैं इन्होंने और जो परिभाषाएं यहाँ दी है उसको उसी रूप में जान लो, बस ये ज्ञान का गेय बन जाए। देखो एक और पढ़ लेते हैं अपन, है ना, फिर कल करेंगे चर्चा। अन्य अर्थ में होने वाला व्यवहार रूप को भी द्रव्य कहता है। क्या कहा? अन्य अर्थ में होने वाला व्यवहार रूप को भी द्रव्य कहता है, जैसे सफेद पत्थर है, रूप को भी द्रव्य कहता है। देखो क्या कहा, सफेद पत्थर तो यह स्वजाति गुण में स्वजाति द्रव्य का उपचार करने वाला असद्भूत व्यवहार नहीं है, पुद्गल का पुद्गल में है इसलिए स्वजाति है। लेकिन सफेदी वो गुण है और पत्थर मान लो द्रव्य है, तो स्वजातीय गुण का स्वजातीय द्रव्य में उपचार करके माने उस पूरी वस्तु को ही हमने कहा कोई भी गुण देख करके कि ये काला है, तो अब काला नाम का सिर्फ एक गुण था समझ लो आप, ये काला नाम की एक पर्याय थी, तो उसके आधार पर हमने पूरी वस्तु को ही काली कह दिया गया कह दिया, तो सफेद के आधार पर पूरे पत्थर को ही सफेद कह दिया। ऐसा नहीं है कि पत्थर अकेला सफेद ही है, पत्थर में और भी गुण है, स्पर्श नाम का गुण भी है, रस नाम का गुण भी है, गंध नाम का गुण भी है, वो पुद्गल है, उसमें पुद्गलत्व होने के वजह से अनंत गुण मौजूद है, लेकिन फिर भी उसे सफेद कह दिया गया। तो एक गुण का द्रव्य में उपचार करके कथन किया, ये स्वजातीय था क्योंकि गुण भी उसी का है, ठीक है ना, और द्रव्य भी वही है। हाँ इस तरह के भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ये असद्भूत ले रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि स्कंद है इसलिए समझ लो, क्योंकि एक द्रव्य नहीं है, अनेक द्रव्यों की अवस्था होने से इस तरह का कथन किया है। विभाव अर्थ पर्याय के अंदर यदि आप शामिल करेंगे तो विभाव अर्थ पर्याय तो परमाणु की होगी, नहीं परमाणु की नहीं स्कंद की होगी विभाव अर्थ पर्याय, तो क्योंकि विभाव कह रहे हैं ना उसको, तो वो स्कंद में लागू होगी। तो ऐसा ही प्रयोग है, बस यहां जो प्रयोग किया है इन्होंने स्वजाति गुण में, स्वजाति गुण और स्वजाति गुण किसे कहा? सफेदी को, अपनी जाति का गुण है, और इसका उपचार किसमें किया? स्वजाति द्रव्य में, तो पत्थर को द्रव्य कहकर के पुकारा गया, पुद्गल
ऐसा कथन करने वाला ये असद्भूत व्यवहार नए हैं। ये इस तरह से स्वजाति विजाति और मिश्र के तीन तीन भेद पढ़ेंगे, कल अपन कर लेंगे प्रकरण पूरा, फिर परसों अपना प्रकरण चलेगा पंचाध्याय वाला, है ना, कल पूरा हो जाएगा ये। बोलो महावीर भगवान की।